और देखिए भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, इस मौके पर पहली बार दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में चल रही परेड की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। सेना के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु में आर्मी डे परेड की शुरुआत हो चुकी है। पहला ऐसा मौका है जब दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की सेनाओं के जवानों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे थोड़ी देर बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, सीडीएस भी शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको बेंगलुरु से लाइव दिखा रहे हैं, जहां आर्मी डे परेड की शुरुआत हो चुकी है। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको बेंगलुरु लिए चलते हैं। अंजू, रगों में जोश भर देने वाली तस्वीरें इस वक्त बेंगलुरु से सामने आ रही हैं। आर्मी डे परेड की शुरुआत हो चुकी है, क्या वहां पर चल रहा है, जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए। और ये पहला ऐसा मौका इस बार तो बड़ा खास जब दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड हो रही। जी बिल्कुल समीर, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व का मौका है। और आज के दिन यहाँ पर आपको बता दें बेंगलुरु में आर्मी डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले अब तक जो है ये आर्मी डे जो है वो दिल्ली में सेलिब्रेट होता रहा, लेकिन पहली बार आर्मी डे जो है वो बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जो है भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने थे, और उनको याद किया जाता है। और आर्मी के जितने जिस तरीके से जो लगातार जो हमारी आर्मी देश के लिए रक्षा करती रहती है सरहदों पर, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में वो जिस तरह से देश की रक्षा करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, वो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कदम से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे जो वीर जवान हैं वो यहाँ पर परेड की सलामी जो है वो लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार खास तौर पर फैसला ये किया गया कि दिल्ली से बाहर आर्मी डे परेड होगी, बेंगलुरु का चयन किया गया, इस फैसले के पीछे क्या वजह थी, क्या मंशा थी सरकार की? देखिए मैं आपको बता दूं कि अब जैसे जिस तरह से एयरफोर्स डे भी आपको मैं बता दूं, अगर आपको याद होगा चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया था, इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि देश के हर राज्य में जो आर्मी डे हो चाहे एयरफोर्स डे हो उसका सेलिब्रेशन हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो के एम करियप्पा जो है वो कर्नाटक से थे, तो एक और ये वजह थी कि जब जगह बदली गई तो बेंगलुरु को सबसे पहले चयन किया गया। और आप यहाँ पर देखिए ये जो हवा में हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देते जा रहे हैं और किस तरीके से फ्लाई पास करते हुए ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर में जो आर्मी चीफ हैं वो यहाँ पर आएंगे, परेड की सलामी देंगे। और देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहती हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो परेड की सलामी लेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में आपको बता दूँ कि बाइक स्टंट होगा, स्काई डाइविंग करते हुए आपको जो हमारे जवान हैं वो दिखाई देंगे, बैंड डिस्प्ले होगा और शानदार प्रदर्शनी रहेगी। और आप देखिए सामने किस तरीके से जो आर्टरी है, जो युद्ध के मैदान में जो आर्टरी का इस्तेमाल होता है, वो तमाम आर्टरी हथियार टैंक्स यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए। जी समीर, अपना दिवस आर्मी का, सेना का, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, उनके साथ जिप्सी पर परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुर्गन परेड के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा
कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।